बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले 2-0 से पिल चुके हैं। शांत तो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जीतेगी वो भी इंडिया में, नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जनरेशन में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद हाल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया वो खा खोते का लिया है। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया, आप बाप बाप होते हैं। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आ रहा और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को, क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार दे? बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का, ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले बंगालियों। बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है, अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं, अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं जीत पाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? इस सीरीज में पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई, हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ, आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है, मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है, बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस। काफी हवाओं में उड़ रहे, इसको लगे तो अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूं, लेकिन आई थिंक इट्स इंपॉसिबल, इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है, एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं आ रहा। बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दी इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे, ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने होम ग्राउंड में हारेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, इंडिया अपने ग्राउंड में कभी नहीं हारने दे सकता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने जब से इन पाकिस्तानियों को टेस्ट मुकाबले में 2-0 से व्हाइट वॉश किया है तब से बांग्लादेश के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो बातें कर रहे हैं कि हम भारत को 2-0 से भारत में हराएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के कप्तान जब इस तरह की बातें कर रहा है, और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान से अभी मतलब 2-0 से टेस्ट मुकाबला जीत कर आए हैं, अभी इन्हें नहीं पता कि भारत में इनका क्या हाल होने वाला है, भारतीय टीम इनका क्या हाल करेगी, इनको मतलब पता लग जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा जब ये भारत से 2-0 से हार कर अपने घर जाएंगे। बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं, हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वो हिसाब होगा जिस तरह से पाकिस्तान को हर ODI वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले 2-0 से पिल चुके हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए तो वो अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा, तब तो कहते हैं ना एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई, हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल। इस सीरीज में पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास
क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राणा क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो पाकिस्तान से ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था, मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं। अगर लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है। और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26 6 वाला चक्कर होया तो खत्म है कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डे से अभाव हो गए हैं इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आ रहा, और वहां बांग्लादेश के माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे, सर पाकिस्तान का बाहर होना डब्ल्यूटीसी से, बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को, क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना वो एक इम्पॉसिबल काम, मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना वो स्ट्रांग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ आके शायद कोई उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया वो दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे इंडिया के घर जो है वो हम उनको जो आके क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। मेरे ख्याल में इंडिया की जो टेस्ट की है ना, टेस्ट की नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल इंडिया अच्छी है, पाकिस्तान ऊपर निकल गए जी सर, कितना ऊपर चले गए, परसेंटेज 100 हो अगर इंडिया की कितनी है पाकिस्तान की कितनी है, मेरे ख्याल में मेजरमेंट तो नहीं बनता। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया, आप बाप बाप होता है, बांग्लादेश काफी माओ में उड़ रहे, उसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है, अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है अपने नाम कर सकती है, एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। अगला देश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का, ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है, परेशान है कि बांग्लादेश की टीम को मतलब इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है मतलब बांग्लादेश की टीम कि अभी से भारत को वार्निंग देना स्टार्ट कर दिए हैं कि हम भारत को 2-0 से टेस्ट मुकाबला हराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत को भारत में 2-0 से हराएंगे, और ऐसा इसलिए हुआ है कि बांग्लादेश अभी रिसेंट में पाकिस्तान में जाकर इन पाकिस्तानियों को 2-0 से वाइट वॉश करके आई है, तब से इन बांग्लादेश के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो भारत को मतलब वार्निंग देना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारतीय टीम कितनी मजबूत है, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, अभी तक बांग्लादेश की टीम भारत में आकर टेस्ट मुकाबला तक नहीं जीत पाई है, तो कैसे मतलब वार्निंग दे सकते हैं कि भारत को भारत में 2-0 से टेस्ट मुकाबला हराएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को जो भी टीम हराता है उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मतलब बड़े टीमों को वार्निंग देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं कि आखिरकार बांग्लादेश की टीम इतनी आगे कैसे जा रही है, जबकि हमारी टीम इतनी अच्छी थी जो कि बांग्लादेश से इतनी बुरी तरीके से हार गई कि हम इनके वार्निंग को भी मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कि हम मतलब उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम मतलब किसी भी कंडीशन में खेला जाए मतलब खिलाया जाए इन खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को, तो इतने बुरे तरीके से मारेंगे इन बंगाली खिलाड़ियों को कि ये सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और इनको अलग पता जाएगा जब ये टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होगा और पूरी तरीके से वाइट वॉश होकर बांग्लादेश की टीम हमारे वहां से जाएगी। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।